इस बंदे का गेम प्ले मुझे किसी की याद दिलाता है। यूएमपी से जिस तरह ये ओनली रेड मार रहा है ना भाई, ऐसे गेम प्ले के लिए ना सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर होना पड़ता है। बंदे की पक्का कोई जीएफ नहीं होगी, अगर कोई बनती भी होगी ना तो ये उसके साथ ऐसा करता होगा। रुको अभी दिखाता हूँ। इसीलिए इसकी कोई जीएफ नहीं बनती और सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहता है। अभी आप सोच रहे होंगे ये बंदा है कौन? आप कौन? आपका क्या नाम है? मिस्टर प्रिंस। तो कैसे हो लोंडो, उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे हो। अगर गाइस आगे भी अच्छे ही रहना। तो आ गया तुम्हारा शार्प भाई एक और बहुत बेहतरीन सी वीडियो के साथ। चलो इन बातों को हम साइड रखते हैं, इन बातों में कुछ नहीं रखा, आते हमारे वीडियो के मेन टॉपिक के ऊपर। वैसे तो आप लोग बहुत समझदार हो, वीडियो के टाइटल थंबनेल एंड डिस्क्रिप्शन देख के पहले ही आप समझ गए होंगे कि वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है, बट फिर भी बताना तो मेरा फर्ज है ना यार। तो बता देता हूँ, आज की वीडियो हमारी होने वाली है वर्ल्ड्स टॉप 5 बेस्ट फास्टेस्ट थ्री फिंगर अंडर रेटेड प्लेयर्स के ऊपर। और गाइस आज की वीडियो के जो हमारे प्लेयर्स हैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक खेलते हैं। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो, अगर आपने मेरी और भी वीडियोस देखी हैं, तो आपको पता होगा मैं हमेशा ऐसे ही प्लेयर्स लेके आता हूँ जो कि एक्चुअली डिजर्व करता है। मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह आपको कोई भी प्लेयर उठा के ऐसे नहीं बता दूंगा, नहीं लेकिन तो पुराने वीडियोस जाके देख सकते हो। बट अभी आते हैं हम हमारे टॉपिक के ऊपर। तो ये टॉप 5 प्लेयर्स की लिस्ट होने वाली है, जिसमें कि मैं आपको पूरे वर्ल्ड के टॉप ऐसे 5 प्लेयर्स दिखाने वाला हूँ जिनको मैं जानता हूँ। जानने से मतलब मेरे होम पेज पे उनकी वीडियो रेकमेंड हुई है या फिर मेरे किसी फ्रेंड ने बताया है उनके चैनल का नाम, और मुझे गेम प्ले पसंद आया है, लगा गेम प्ले उस लायक है, बंदे को डिजर्व करता है बंदा और ज्यादा सब्सक्राइबर्स, इसलिए मैंने उसको इस वीडियो में रखा है। तो चलो आते हैं हमारे इस वीडियो के टॉप 5 नंबर के प्लेयर की ओर। अरे एक सांस में इतना बोल गया, सांस फूल गई मेरी तो। उससे मेरा क्या फायदा? तो चलो गाइस आपको नंबर 5 के प्लेयर का पहले मैं गेम प्ले का एक क्लिप दिखाता हूँ, जिससे कि आपको पता चल सके कि हमारा नंबर 5 का प्लेयर कैसा खेलता है। इससे आप अंदाजा लगा पाओगे कि जो टॉप 1 पे है वो कैसा खेलता होगा। तो भाई लोंडो, आप लोगों ने नंबर 5 के प्लेयर का गेम प्ले देख लिया है और मैं जरूर से जानना चाहूंगा आपका क्या ओपिनियन है, कैसा आपको गेम प्ले लगा इस बंदे का। मुझे तो अच्छा लगा है इस बंदे का गेम प्ले। मैं बताऊं तो इस बंदे के गेम प्ले में, अब देखो मैं बताता हूं मुझे अच्छा लगा क्या। सबसे पहले तो इसका ग्लोवल लगाने का स्टाइल बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत परफेक्टली लगाता है बंदा, ऐसा लगता है कभी कभी जेरोक्स वाली फीलिंग आती है। उसके बाद बंदे का जो एक फ्लो है ना गेम प्ले का फ्लो, मतलब ग्लोवल लगाता है जंप करता है फिर ड्रैग करता है, ग्लोवल लगाता है जंप करता है ड्रैग करता है, उस बंदे का ये फ्लो ब्रेक ही नहीं होता है, मतलब एक फ्लो में चलता रहता है। ब्रेक होने से मेरा मतलब है कभी कभी अगर बीच में ग्लोवल मिस हो जाए आपका, या फिर अगर कभी आपका फायर बटन पे हाथ ना जाए, या फिर कभी आपका स्प्रिंट बटन पे टच ना हो, बंदा वहीं पे जंप कर जाए खड़े खड़े, होता है कभी कभी, मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है, बट इस बंदे का ऐसा नहीं होता है, एक फ्लो में गेम प्ले चलता है। इसका मुझे ये चीज खास लगता है, बिकॉज जिसका एक फ्लो में गेम प्ले चलता रहता है, बीच में फ्लो ब्रेक नहीं होता, बंदा अटकता नहीं है और ना मूवमेंट ब्रेक होती है, ऊपर से इसी फ्लो के बीच में अगर रेड नंबर हमको देखने को मिल जाए फिर तो वाह भाई वाह क्या बात है, उसके ऊपर खतरनाक वाली क्वालिटी मिल जाए फिर तो 4 चांद लग जाते हैं उस वीडियो के ऊपर। बाकी मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा ये बंदा जेरोक्स को डिफीट कर पाएगा, नहीं, अभी उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस और करना पड़ेगा, थोड़ी सी मूवमेंट स्पीड मुझे कम लगती है सही बताऊं तो, बट ओवरऑल गेम प्ले में मजा बहुत आता है ये बात तो है। और बोलने के चक्कर में मैंने अभी तक इसके चैनल का नाम तक नहीं बताया, वैसे तो आप लोगों ने किल फीड में नेम पढ़ लिया होगा और वहां से नहीं तो आपके पास दूसरा तरीका भी है, बट मैं वो तरीका बताऊंगा नहीं तो आप सब लोग वहीं से जाके नाम पढ़ जाओगे। तो चलो मैं बता देता हूँ, इस बंदे के चैनल का नाम होने वाला है GW शाफिन। चैनल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बंदे का, सर्च करोगे सर्च में भी बंदे का चैनल आ जाता है, टॉप पे ही आता है, वरना आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से भी इनके चैनल पे जा सकते हो। तो चलो भाई जल्दी से आते हैं हमारे नंबर 4 के प्लेयर की ओर, बिकॉज 5 बंदे होने वाले हैं इस लिस्ट में। एक प्लेयर पे अगर मैं इतना टाइम लगा दूंगा फिर तो 5 प्लेयर के लिए मुझे 25 मिनट की वीडियो बनानी पड़ जाएगी, बट एनीवे हम आते हैं हमारे नंबर 4 के प्लेयर की ओर। तो चलो भाई नंबर 4 के प्लेयर का एक बार गेम प्ले चला देते हैं। Yeah.
तो भाई लोंडो, आपने नंबर 4 के प्लेयर का गेम प्ले देख लिया है, मैं जरूर से जानना चाहूंगा क्या ये बंदा पिछले वाले से बेहतर गेम प्ले करता है या फिर नहीं, या फिर पिछला वाला बंदा ही नंबर 4 पे होना चाहिए था, बिकॉज मुझे कंफ्यूजन थी इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बट फिर मैंने कुछ गेम प्ले के पॉइंट्स नोटिस किए, गेम प्ले का स्टाइल नोटिस किया, उसके बाद ही मैंने इस बंदे को नंबर 4 पे रखा है। बाकी आपका ओपिनियन भी मेरे लिए बहुत मैटर करता है, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। पिछले प्लेयर का नाम बताने से पहले ही मैं उसके गेम प्ले के बारे में बताने लग गया था, सो इसलिए इस बार मैं इस प्लेयर का नाम पहले बता रहा हूँ। गाइज, इस प्लेयर का नाम होने वाला है गेमिंग विद दीपक, GW दीपक। चैनल आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, गेम प्ले भी आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा। गेम प्ले बिना साउंड के चल रहा है, बिकॉज फिर मेरी आवाज कहां से आएगी यार। तो चलो आते हैं हम इसके गेम प्ले पे। अब मैं बताता हूँ मुझे इसके गेम प्ले में क्या क्या अच्छा लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, नो डाउट क्वालिटी इज सुपर, क्वालिटी बहुत अच्छी है वीडियो की। उसके बाद बंदे की ग्लू वॉल स्पीड बहुत अच्छी लगी मुझे, ग्लू वॉल लगाने की जो स्पीड है काफी अच्छी है। जो फ्लो वाली बात कही थी ना, याद है अभी पिछले मैंने बंदे के गेम प्ले में एक फ्लो वाली बात कही थी, वो इसके गेम प्ले में भी बहुत अच्छी है। लेकिन इसका एक माइंड सेट होता है ना गेम प्ले का, वो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। बाकी अगर मैं मूवमेंट की बात करूँ तो मूवमेंट भी मुझे थोड़ी सी ज्यादा अच्छी लगती है इस बंदे की, और थोड़ी सी ज्यादा फास्ट है उस प्लेयर से, उससे मेरा मतलब हमारे शाफिन भाई से। बट हमारे शाफिन भी बहुत अच्छा खेलते हैं, बट उन्हें थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर वो रेगुलर प्रैक्टिस में रहे तो अपने गेम प्ले की स्पीड को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। बट हमारे दीपक भाई की एक्यूरेसी की बात करूंगा मैं, एक्यूरेसी मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। तो चलो, आप लोगों ने यहाँ पे अभी नंबर 4 के प्लेयर का गेम प्ले देख लिया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना आपको क्या क्या अच्छा लगा है। ऑलरेडी हमारे वीडियो का आधा टाइम जा चुका है सिर्फ दो प्लेयर को इंट्रोड्यूस करवाने में। तो चलो, इस बंदे के मैं चैनल का नाम बता चुका हूँ, बंदे के चैनल की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वरना आप सर्च करके भी जा सकते हो, इनका चैनल टॉप पे ही आएगा सर्च करने पे। तो बाकी आते हैं हमारे नंबर 3 के प्लेयर की ओर। तो चलो गाइस, आपको नंबर 3 के प्लेयर का मैं गेम प्ले सबसे पहले दिखा देता हूँ। Shit, here we go again. तो और भाई, गेम प्ले देख लिया हमारे नंबर 3 के प्लेयर का, तो कैसा लगा? था कि नहीं था बढ़िया? सही कही है ना, चलो ठोको ताली इसी बात पे। नहीं, ये भगवान क्या जुलूम है। तो चलो, इस बंदे के गेम प्ले के बारे में कुछ बोलने से पहले इस प्लेयर से आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, इससे मिलवा देता हूँ, इसके चैनल का नाम बता देता हूँ। इनके चैनल का नाम होने वाला है Wiz777। हाँ, मुझे लगता है आप में से बहुत सारे बंदे इनको पहले से जानते होंगे, बिकॉज ये NG के साथ खेल चुके हैं कई बार, मेरा मतलब NG के प्लेयर्स के साथ खेल चुके हैं कई बार। और बंदे का गेम प्ले भी बहुत ज्यादा अच्छा है, मैं नहीं बोल रहा, नॉनस्टॉप ने भी कई बार बोला है, और भी दूसरे यूट्यूबर्स ने बोला है, और बाकी मैंने इसको लाइव पे भी खेलते हुए कई बार देखा है, बंदा अच्छा खेलता है बहुत। तो चलो भाई, अब आते हैं हम इस प्लेयर के गेम प्ले के ऊपर। मैं बता दूं इस बंदे के गेम प्ले में मुझे सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है, अभी जो मैंने बताया था पिछले दोनों प्लेयर्स में एक कमी मैंने बताई थी, कहीं ना कहीं थोड़ी सी मूवमेंट की कमी हमको दिख रही थी, वो कमी इस बंदे ने पूरी कर दी है। इसकी मूवमेंट वाह चुम्बेश्वरी मूवमेंट है भाई, मूवमेंट काफी ज्यादा अच्छी लगी है मुझे। वो जो मैंने अभी एक फ्लो वाली बात कही थी वो भूल जाओ, उस फ्लो की उसको जरूरत पड़ती है जिसका मूवमेंट थोड़ा कम होता है। ये बंदे का मूवमेंट इतना ज्यादा है, ये बंदा कहीं से भी निकल के मार देगा, और मूवमेंट के साथ साथ में ग्लोबल स्पीड भी बहुत ज्यादा अच्छी है, और बंदा कहीं पे अटकता नहीं है, इसकी अपनी कस्टम एचयूडी पे हाथ एकदम सेट हुआ पड़ा है। मतलब मेरे को ऐसा गेम प्ले बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, जहाँ पे तुरंत ड्रैग करो, तुरंत ग्लोबल लगाओ और तुरंत ग्लोबल से बाहर आ जाओ। सामने वाले एनिमी ने एक बुलेट मार के ग्लोबल नहीं लगाई होती, उतने बार में तुम दो बार टपली मार जाओ उसके बगल में आके, एकदम भयंकर डर जाता है एनिमी। तो ओवरऑल आप लोग मेरी भावनाओं को समझ ही रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी भैया, कमेंट बॉक्स तो खुला पड़ा है, बाकी आप लोग जो कहना चाहो कह सकते हो। इन प्लेयर के चैनल का नाम आपको पता चल गया है, गेम प्ले आप लोगों ने देख लिया है, और बंदे के चैनल की लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां से इनके चैनल पे जाकर इनकी बाकी की वीडियो चेकआउट कर सकते हो, और या फिर आप सर्च करके भी इनके चैनल पे जा सकते हो। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्लेयर की ओर, जो कि होने वाला है नंबर 2 का प्लेयर। बाकी गाइस, आप बताओ अभी तक की रैंकिंग आपको कैसी लगी है, ठीक थी कि नहीं, या फिर कोई बंदा ऊपर नीचे होना चाहिए था? अरे मैं भी ना, कहां से बताओगे आप लोग सिर्फ सुन सकते हो मुझे। तो
चलो थोड़ा और सुन लो, वीडियो भी बाकी है मेरे दोस्त। हमारे नंबर टू के प्लेयर का मैं गेम प्ले प्ले कर देता हूँ, जिससे कि आप अंदाजा लगा सको ये कौन सा प्लेयर होने वाला है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज ये एक टाइम पे बहुत फेमस प्लेयर हुआ करता था, बट इस बंदे का चैनल डाउन चला गया या फिर पता नहीं बंदे के चैनल के साथ में क्या हुआ, बंदे को न्यू चैनल ओपन करना पड़ा। डाउन तो नहीं गया था बंदे का चैनल बिकॉज व्यूज बहुत अच्छे आ रहे थे, मेरे ख्याल से चैनल शायद हैक हो गया था इस बंदे का। तो आप लोग पहले गेम प्ले से गेस करो ये कौन सा प्लेयर होने वाला है। चलो एक और हिंट दे देता हूँ, ये बंदा हमारे इंडिया का नहीं है, बाहर सर्वर का है। अब मैं सर्वर तो नहीं जानता कौन सा है, तो पहले आप गेम प्ले देख लो। तो भाई लॉन्डो, आप लोगों ने गेम प्ले तो देख लिया है, अभी आप में से कितने बंदे गैस कर पाए हैं कि ये कौन सा प्लेयर होगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि ज्यादा बंदों ने गैस किया होगा बिकॉज जो गेम प्ले इसका पुराने चैनल पे था वो नए चैनल पे वैसा गेम प्ले हमको नहीं देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा गेम प्ले डाउन जरूर हो गया इस बंदे का। वैसे मैं इसके चैनल का नाम आपको पहले बता देता हूँ, इस बंदे के चैनल का नाम होने वाला है थ्यूज FF। हाँ वही थ्यूज FF जिसके एक टाइम पे 2.5 लाख सब्सक्राइबर हुआ करते थे, बट अभी इसका चैनल कहीं पे भी हमको देखने को नहीं मिलता है। अभी इनके चैनल का नाम ओनली थ्यूज करके रख रखा है इन्होंने। और भाई थ्यूज FF का गेम प्ले तो आप सभी लोग जानते ही हो, इनके गेम प्ले में मूवमेंट हो गई, एक्यूरेसी हो गई, ग्लोबल स्पीड हो गई और स्ट्रेटजी हो गई और बंदे को घुमाना हो गया, हर चीज मुझे बहुत बढ़िया लगती है। बंदे का फ्री स्टाइल मूवमेंट जो है, मूवमेंट सबसे ज्यादा खतरनाक लगता है मुझे इस बंदे का। बाकी बैकग्राउंड में भी आप इनका गेम प्ले देख पा रहे हो कि एक्यूरेसी काफी ज्यादा अच्छी है बंदे की। और अगर आप इनकी और भी वीडियोस देखना चाहते हो, आपको सर्च करने पे बंदे का चैनल नहीं मिल रहा है, तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक के थ्रू इनके चैनल पे जा सकते हो और इनकी बाकी की वीडियोस को आप देख सकते हो। और अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, मैं कोई फोर्स नहीं करूंगा। और अगर करूंगा भी तो कौन सा आप लोग मेरे बोलने से सब्सक्राइब कर ही आओगे, आप लोगों ने मुझे तो सब्सक्राइब कर नहीं रखा है। तो चलो गाइस, आपको नंबर 2 का प्लेयर कैसा लगा आप मुझे बता सकते हो। बाकी हम बढ़ते हैं हमारे नंबर 1 के प्लेयर की ओर। और गाइस हमारे टॉप 1 पे कौन सा प्लेयर होने वाला है आपको गेस करना पड़ेगा। नहीं आप लोग रहने ही दो बिकॉज ये उतना भी फेमस प्लेयर नहीं है, आप लोग गेस नहीं कर पाओगे। और हमारे इंडिया का भी ये नहीं है बंदा जो कि आप इतनी जल्दी गेस कर पाओ, बट हाँ फिर भी मैं आपको गेम प्ले पहले दिखाऊंगा ताकि बंदे के चैनल को देखने से पहले, बंदे के सब्सक्राइबर्स को देखने से पहले आप गेम प्ले देख सको। आप लोग खुद ही देख लो ना, अभी तक हमने जितने प्लेयर्स देखे उनका गेम प्ले और उनका सब्सक्राइबर मैच करता है क्या? उनके सब्सक्राइबर और ज्यादा होने चाहिए यार, और ज्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए था उन बंदों को बिकॉज गेम प्ले उनका है डिजर्विंग। तो चलो भाई पहले इस बंदे का आप लोग गेम प्ले देख लो। गाइज आप लोगों ने अभी गेम प्ले देख लिया है हमारे टॉप 1 के प्लेयर का, तो मैं जरूर से जानना चाहूंगा इस बंदे का गेम प्ले आपको किसकी याद दिलाता है। मतलब मेरे को इस बंदे का जो गेम प्ले है ना, वो Div777 नाम का एक यूट्यूबर था नहीं मेरा मतलब अभी भी है, मुझे उसके गेम प्ले की याद दिलाता है बिकॉज अभी उस बंदे ने फ्री फायर की वीडियोज डालनी बहुत कम कर दी है। वैसे मैं कौन सी ज्यादा वीडियोज डाल रहा हूँ, मैंने भी तो वीडियोज डालनी कम कर दी है, बट यार आपको इन फ्यूचर बहुत सारी वीडियोज मिलने वाली है और मैं एक अचानक भयानक भयंकर कंटेंट लेके आने वाला हूँ जो कंटेंट आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है, एटलीस्ट आपको उससे कुछ सीखने को मिलेगा। अरे भैया वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी, पहले मैं आपको इस बंदे के गेम प्ले की कुछ खासियत बता देता हूँ जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है। सबसे पहले इस बंदे के गेम प्ले में एक ब्राजीलियन स्टाइल का फील आता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा ब्राजील के कुछ बंदे जो है UMP कॉन्ट्रा करके एक वीडियो डालते थे, बिल्कुल ऑल रेड नंबर मारते थे, वैसा करके इस बंदे के गेम प्ले में फील आता है। जब ये जॉयस्टिक यूज करते हुए UMP से ड्रैग मारता है ना, तो इतने क्लीन रेड
नंबर पढ़ते हैं, देख के एकदम सेटिस्फेक्शन मिलता है। और अगर मैं ग्लोवल लगाने के स्टाइल की बात करूं, मुझे ग्लोवल लगाने का स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। इसका मूवमेंट मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एपेला पातो जैसा लगता है। एपेला पातो की मूवमेंट उतनी ज्यादा फास्ट नहीं है, बट उसकी मूवमेंट काम वाली है, मतलब जो कि मूवमेंट हमें गेम प्ले में काम आती है। कुछ बंदे क्या करते हैं, हेडशॉट मार के स्क्रीन इतने जोर से घुमाएंगे पूरा ब्रह्मांड नाचियाएंगे, लेकिन उस मूवमेंट का कोई फायदा नहीं है। बट अगर आपने कभी एपेला पातो की मूवमेंट स्पीड देखी हो तो उस बंदे की मूवमेंट स्पीड बहुत काम की है। वैसे अगर आप मूवमेंट करते हो या फिर इस बंदे के जैसे अगर आप मूवमेंट करते हो गेम के अंदर, तो आपको बहुत जगह फायदा होगा। तो कहने का मेरा मतलब है, इस बंदे का गेम प्ले मुझे ओरिजिनल गेम प्ले लगता है और बंदे के हेडशॉट्स बहुत क्लीन लगते हैं। एक्यूरेसी मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ, एक्यूरेसी इस बंदे की बहुत ज्यादा अच्छी है। मूवमेंट स्पीड तो आप लोगों ने अभी देख ही ली है और ग्लोबल स्पीड भी काफी अच्छी है इस बंदे की। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो मुझे इस बंदे का गेम प्ले स्टाइल एक यूनिक स्टाइल है जो कि बहुत ज्यादा पसंद आता है, और मूवमेंट जहाँ पे होनी चाहिए वैसी मूवमेंट ये करता है। लो भैया, फिर से मैं बंदे का नाम बताना भूल गया और गेम प्ले के बारे में भाषण देने लगा। तो चलो गाइस, पहले मैं इस बंदे के चैनल का नेम आपको बता देता हूँ। इस बंदे के चैनल का नेम होने वाला है डेक FF। चैनल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, भले ही बंदे के 1,00,000 सब्सक्राइबर हैं, बट व्यूज थोड़े बहुत डाउन जरूर हो गए हैं इनके। आप इनके चैनल पे जाके इनकी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो, बहुत पुराना प्लेयर है ये बंदा। और इसके चैनल को देख के मैं इतना तो कह सकता हूँ, ये हमारे इंडिया का प्लेयर तो नहीं है, मुझे नहीं पता है कौन से सर्वर का प्लेयर है। आप लोग इतने समझदार खुद हो, आप लोग पता लगा लोगे, मैं जानता हूँ। और बता दूं, इस बंदे के चैनल की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां से इनके चैनल पे जा सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो आप सर्च करके भी इनके चैनल पे जा सकते हो। बाकी हमारी ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है मैं जरूर से जानना चाहूंगा। और हाँ, सब्सक्राइब के लिए मैं बोलता नहीं हूँ वीडियो के बीच में, इसका मतलब ये नहीं है कि सब्सक्राइब नहीं करोगे। आप लोग कर लेना यार, इस गरीब का भी थोड़ा भला हो जाएगा। बाकी वीडियो तो अच्छी लगी ही होगी तो एक लाइक जरूर से ठोक देना, कमेंट तो आपने भर भर के किए होंगे वीडियो के बीच में भी। और हाँ, अगर मेरे से कॉन्टेक्ट करना हो तो इंस्टाग्राम आपको मेरा स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप मेरे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। पहले फॉलो करना फिर मैसेज करना, वरना रिप्लाई नहीं दूंगा। तो चलो, इसी के साथ हम मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और नई वीडियो में किसी और नए ऑफिस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।